करीब 170 साल पहले भारत से इंग्लैंड पहुंचा दुर्लभ कोहिनूर हीरा एक बार फिर चर्चे में है। ब्रिटेन के एक टीवी पत्रकार ने लाइव बहस के दौरान इसे भारत को वापस लौटाने की बात कहकर सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी। आज हम इसी अमूल्य हीरे के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये हीरा मिला कैसे, इसका पहला मालिक कौन था और आखिर ये ब्रिटेन की महारानी के सर का ताज कैसे बना। तो आपको बता दें, गोलकुंडा की खदान से निकलने के बाद इस हीरे के पहले मालिक काकतीय राजवंश थे। कहा जाता है कि राजवंश ने इस हीरे को अपनी कुलदेवी भद्रकाली की बाईं आंख में लगाया था, लेकिन 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस हीरे को काकतीय से लूट लिया और फिर मुगलों के हाथ से निकलकर यह हीरा एक ईरानी शासक के पास पहुंचा, जो इसे भारत से बाहर ले गया। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने इसे फिर वापस लाया और जिसके बाद आखिर में ये अंग्रेजों के हाथ लगा और इस हीरे का रोमांचकारी सफर एक महल में कैद होकर रह गया। साथ ही आपको बता दें, जब कोहिनूर हीरा करीब 800 साल पहले आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खदान से निकला, तब इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। इसका कुल वजन 186 कैरेट था। हालांकि इसके बाद इस हीरे को कई बार तराशा गया और इसका मूल रूप 105.6 कैरेट रह गया। हालांकि अब यह दुनिया का सबसे बड़ा तराशा हीरा है। कहा जाता है कि जमीन से सिर्फ 13 फीट की गहराई पर यह हीरा मिला था। वहीं इस हीरे की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है और ना ही कभी ऑफिशियल तौर पर इसकी कीमत का खुलासा किया गया है, क्योंकि इसे कभी बेचा या खरीदा नहीं गया। हालांकि अनऑफिशियल तौर पर इस हीरे का आकलन करीब $1 अरब यानी कि 8,000 करोड़ रुपए की कीमत के आसपास है और ये कीमत दुनिया के किसी भी हीरे की कीमत से सबसे ज्यादा है। साथ ही बता दें कि कोहिनूर के बारे में एक बात काफी प्रचलित है कि इस हीरे को कभी खरीदा या बेचा नहीं गया। इसे या तो युद्ध में जीता गया है या फिर किसी को तोहफे के रूप में दिया गया। बीते 800 वर्षों में ये हीरा एक राजा से दूसरे राजा के पास घूमता रहा। कभी किसी को तोहफे के रूप में मिला तो कभी किसी बाहरी ने हमला करके इसे जीता। और ऐसे ही एक मामले के बाद हीरा महारानी विक्टोरिया तक पहुंचा, जब अंग्रेजों और सिखों के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें हारने के बाद गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर का पहला राजा नियुक्त किया गया, जिसके बाद 29 मार्च 1849 को सिखों और अंग्रेजों के बीच दूसरा युद्ध हुआ और सिखों का शासन खत्म हो गया। महाराजा की अन्य संपत्तियों के साथ ही कोहिनूर को भी क्वीन विक्टोरिया को सौंप दिया गया। फिर इसे 1850 में बकिंगम पैलेस में ले जाकर महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया, जिसके बाद एक डच फर्म ने 38 दिनों तक इस हीरे को तराशा और रानी के ताज में जड़ दिया। हालांकि अब इस हीरे को भारत लाने की मांग तेज हो गई है। 1947 में देश के आजाद होने के बाद से ही भारत इस हीरे पर अपना दावा करता है और ब्रिटेन से इसे वापस मांग रहा है, लेकिन भारत के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान भी इस पर अपना दावा कर रहे हैं। साल 2000 में भारतीय संसद ने कोहिनूर वापस लाने के लिए कोशिश की थी, जिस पर अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि इस हीरे पर कई देश अपना दावा पेश कर चुके हैं, ऐसे में इसकी असली मालिक की पहचान करना संभव नहीं, लिहाजा इसे ब्रिटेन में ही रखा जाए। ब्रिटेन ये भी दावा करता है कि उसने कानूनी तौर पर इस हीरे को हासिल किया है। वहीं फिलहाल मोदी सरकार भी इस हीरे को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसके बाद लगता है कि अब इस हीरे को लेकर चर्चाएं फिर से बढ़ेंगी और इस पर जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। आपकी कोहिनूर हीरे की वापसी को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इसे शेयर करें। और ऐसी और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब करें।